हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञानिका साइटी नंदिका जलेश्वर। आई एम ऑल्सो कॉर्पोरेशन साइंस एटीओ प्रज्ञा दास। टुडे वी डिस्कस द मैग्नेटिज्म। प्रीवियस क्लास वी डिस्कस मैग्नेटिज्म, इसका बारे में कुछ प्रॉब्लम आता है, कुछ वर्ड यहाँ पर लिखा है। फर्स्ट पॉइंट तरीके परमानेंट मैग्नेटिक हिटेड, एक परमानेंट मैग्नेट को हिट करने के बाद क्या है, इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय करता है, लॉस करता है, काम करता है, डिक्रीज करता है इसको। एक परमानेंट मैग्नेट को हिट करने के बाद इसकी क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय। सेकंड क्या था, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या था, वेबर। थर्ड पॉइंट, व्हिच मैग्नेटिक फील्ड इज इलेक्ट्रिक बेयर, इलेक्ट्रिकल में कौन मैग्नेटिक होता है, बताओ, इलेक्ट्रो मैग्नेट। ये थर्ड पॉइंट है। फोर्थ, व्हिच सब्सटेंस इज इक्वल बाय द मैग्नेट, कौन सा सब्सटेंस मैग्नेट में इक्वल होता है, इसको क्या कहते हैं, डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस। और डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेट से इक्वल करते हैं। फर्स्ट फिफ्थ पॉइंट है, फोर्स ऑफ मैग्नेट है इक्वल टू स्ट्रेंथ। एक मैग्नेट में दो पोल का तो पार पोल में इक्वल स्ट्रेंथ रहता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, दो पोल का दो पोल में इक्वल स्ट्रेंथ रहता है, पोल स्ट्रेंथ इक्वल रहता है। सिक्स पॉइंट क्या था, फील्ड असेसमेंट, मैग्नेट बेस्ट टुवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन, जो बाय मैग्नेट रहते हैं, मैग्नेट में कौन डायरेक्शन रहते हैं, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में सर रहते हैं। जो फील्ड असेसमेंट करेंगे कैसे डायरेक्शन होता है, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन। सेकंड पॉइंट क्या था, द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का सिंबल क्या था, बी, कैपिटल बी। इसका डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, वेबर पर मीटर, यूनिट ऑफ है, द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या था, वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। नाइन पॉइंट, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन करंट दैट प्रोड्यूसेस इट, मैग्नेटिक फील्ड जो होते करंट, यहाँ पर जो रुके रहता है, यहाँ पर फील्ड में करंट प्रोड्यूस होते हैं, वो क्या होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। द मैग्नेटिक वैल्यू ऑफ ओपन स्काई जीरो, ओपन स्काई में मैग्नेटिक वैल्यू का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है ओपन स्काई में। परमानेंट मैग्नेट्स आर मेड बाय स्टील, कौन, जो परमानेंट मैग्नेट क्या होते हैं, कौन में क्या रहते हैं, उसको क्या रहते हैं, स्टील, स्टील में परमानेंट मैग्नेट क्या रहते हैं। डिरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेटर डिटरमाइंड बाय फ्लेमिंग साइड एंड रूल, जो जरूर निकलता है, इसको क्या रहते हैं, एंड इसका नाम फ्लेमिंग साइड एंड का नाम नहीं होता है, फ्लेमिंग निकल इसको नाम क्लेमिंग करते हैं, इसका राइट हैंड रूल में तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो जनरेट होते हैं, इलेक्ट्रो इंड्यूस्ड ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ कौन रूल में आते हैं, क्लेमिंग राइट हैंड रूल में आते हैं। जो क्लेमिंग साइंटिस्ट को डिटरमाइन करते हैं, इसका नाम है, इसको कहते हैं क्लेमिंग राइट हैंड रूल। थर्ड में क्या, द सब्सटेंस व्हिच जनरली अट्रैक्ट्स आयन टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड मैग्नेट, जो मैग्नेट्स का साइड को अट्रैक्ट करते हैं सब्सटेंस, उसको क्या कहते हैं, मैग्नेट। लाइट पोल ऑफ ए मैग्नेट दिखे जरा नॉर्थ नॉर्थ पर साउथ साउथ, लाइट पोल होता है इसको, जो मैग्नेट को एक साइड में आएगा तो क्या होगा, रिपल्सन होगा, अट्रैक्ट होगा, तो लाइट पोल रिपल्सन होगा, नॉर्थ साउथ साउथ नॉर्थ ऐसे अट्रैक्शन होगा, तो जो लाइट है लाइट पोल को रिपल्शन होता है, जो अनलाइट पोल होगा तो अट्रैक्शन होगा, साउथ नॉर्थ नॉर्थ साउथ तो अट्रैक्शन होगा। क्योंकि तो व्हिच मैग्नेट यूज टू रिमूव पीस ऑफ आयरन फॉलन इनटू आई, आयरन जो अपना डस्ट आयरन गिर जाएगा तो कैसे निकलेगा, कौन मैग्नेट में, इलेक्ट्रो मैग्नेट। तो कहते हैं व्हिच मैग्नेट यूज टू रिमूव ए पीस ऑफ आयरन फॉलन इनटू द आई, आयरन को एक पीस आयरन गिर गया तो कैसे कोई मेंबर में इसको रिमूव कर सके, तो जो मैग्नेट है जो
मैग्नेट क्या 15 पॉइंट हम डिस्कस करेंगे इसको ध्यान से देखेंगे उसको डिस्कस करेंगे इनको समझेंगे और नेक्स्ट क्लास को दूसरा ये बारे में डिस्कस होगा। थैंक यू।